बांट के ले आई दोस्तों। तो चलिए अभी खाना खाते हैं फुआ उन लोग के साथ में ही। हाँ। तो कैसा बना है फुआ बोलिए? एक नंबर एकदम बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। टेस्टी बनाई ना? हाँ, तो काफी दिन के बाद हम लोग भी मछली खा रहे हैं ना। काहे इससे पहले भी एकदम इतना हड़बड़ा रहे हैं ना, पता नहीं एकदम। फिर आएंगे। खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे ना। खुश रहो। हाँ आप देखें ना, आप नहीं बोलाएंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए दादी इधर आके बैठी है और वो फुआ के लिए बढ़नी और मॉर्निंग मम्मी काज करने जा रही है, गर्म पानी, तो ये पानी गर्म करने के लिए जा रही है दोस्तों। तो चलिए, और अभी फुआ सब घर जाने के लिए खोज रही है, तो उन लोग के लिए दोस्तों अभी स्पेशल आज खाना खाने बैठी है, लेकिन स्पेशल कुछ मंगवाए थे दोस्तों और वो अभी बना है। कहे कि हम तो बाहरी तरफ थे, कुछ दिखा नहीं पाए। हम लोग का खाने के लिए मिला है तो हम लोग जल्दी खाते हैं, उसके बाद हम लोग का ऑटो पकड़ना पड़ता है। पहुँचा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रुकने के लिए इतना ही रुक रही है। हाँ फुआ आज भर रुक लीजिए ना, उसके बाद आराम से जाइए। आकाश को ना दवा खिलाने में दिक्कत हो जाता है ना दादी को। अच्छा तो मतलब दादी दवा खाती है ना? दादी नहीं खाती है, दादी को नहीं कुछ गलती करती है कि हमको दवा ढाल दिए तो हम पियेंगे, रुको ना बाद में पियेंगे। उसको कुछ गलती नहीं लगाता है, मतलब वो जैसे ही मतलब वो पीती ही नहीं, इसी चलते हमको जाना पड़ा। तो इसी हड़बड़ी के दोस्तों कारण हम लोग सोचे कि चलिए फुआ काफ़ी दिनों के बाद आई है तो उसके लिए हम लोग कुछ लाए हैं और अभी बना भी दी है। तो चलिए अभी खाइए तो फुआ है। और मोनिका के पापा किधर गए हैं दोस्तों पता नहीं, वो सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं और अभी तक भी आए नहीं हैं। और मुकेश लाए थे जो गाड़ी, वो गाड़ी लेके गए हैं सर, ये उधरे है। किधर है मोनिका पापा, कहाँ गए हैं? हमको नहीं पता है। तुमको भी नहीं पता है? फ़ोन करो, फोन करते हैं तो उसका मोबाइल लगा। तो इसी तरह दोस्तों हम भी लगाते हैं, सुजो बता रहा है पता नहीं कहाँ गए हैं एकदम। तो चलिए हम लोग सभी को अभी खाते हैं। तुम खाना खाइए, तुम भी खाओ। हम खाए फिर से खाओ, बांट के ले आई दोस्तों। तो चलिए अभी खाना खाते हैं फुआ उन लोग के साथ में ही। हाँ। तो कैसा बना है फुआ बोलिए? एक नंबर एकदम बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। टेस्टी बनाई ना? काफी दिन के बाद हम लोग भी मछली खा रहे हैं ना। काहे इससे पहले भी तो देखे हैं, खाए हैं आप लोग? तो बहुत दिन के बाद खा रहे हैं ना। अच्छा तो उधर डैम तरफ तो पूरा मारने के लिए जाते हैं। हम लोग का डैम उधर है ये नहीं है, डैम में नहीं है, नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी फुआ फूफा और आकाश मुकेश के साथ अभी खाना खाते हैं एक साथ बैठ के। काहे कि काफ़ी दिनों के बाद अभी आज खाने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हम लोग शंकर का पार्टी में गए थे, उस टाइम खाए थे। उसके बाद तो और भेंट भी नहीं हुआ है और बाद में हम भी नहीं जा पा रहे हैं, ना फुआ घर ना रंगीला फैमिली घर। सबका अपना घर काम रहता है ना। हाँ अपना घर का काम में ही दोस्तों इतना व्यस्त रहते हैं वाला आदमी है। हाँ हम लोग को तो खास कोई नौकरी नहीं ना है। हाँ तो वही खेती बाड़ी में जो लगे रहते हैं, इसी में टाइम नहीं दे पाते हैं कि इधर उधर आएंगे जाएंगे। फिर भी फुआ एक दिन जाएंगे हम लोग भी। हाँ ठीक है, आइएगा। हाँ तो चलिए दोस्तों अभी फुआ फूफा सबके साथ अभी मछली का भात खाते हैं अभी। चलिए एकदम अच्छा से खाना खा लिए दोस्तों फुआ उन लोग के साथ और अभी ठाव दे रही है। अभी मोनिका पापा सब अभी आए हैं तो उन लोग अब खाना खाएंगे है ना। हाँ। तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो एक बार ठाव देके ही खाते हैं, तब उन लोग आ गए हैं। बाकी ये वाला झाड़ू लेते जाएंगे फुआ। और अभी इधर देखिए मम्मी फुआ के लिए साड़ी दे रही है। नहीं फुआ अभी कितना दिन के बाद आए हैं, पहन लीजिए उसके बाद। तो चलिए साड़ी पहन लीजिए, उसके बाद निकलिए है ना। तो चलिए दोस्तों अब मोनिका पापा आए हैं, उन लोग को भी खाना खिलाते हैं, उन लोग को भी खिलाओ जो है ना। तो अभी दोस्तों देखिए अभी कितना समय के बाद आके अभी खाना खा रहे हैं। कहाँ गए थे? कोराम्बे इतना लेट के बाद। तो देखिए अभी आके खाना खाने लगे दोस्तों। बाकी बाबू तो नहा लिए ना बाबू। तो चलिए ठीक है, खाना खाइए है ना। ठीक है खिलाओ जो है ना। तो देखिए अभी बांट खिला रही है और खिलाएगी दोस्तों। उधर मोनिका पापा अब खाने लगे और अब फुआ तैयार हो गई हैं देखिए। तो फुआ बोल रही नहीं जाएंगे ही और इतना हड़बड़ा रही ना, पता नहीं काफी एकदम हड़बड़ा रहे हैं फूफा भी ये दोनों। तो वही ना तो देखिए एकदम इतना हड़बड़ा रहे हैं ना, पता नहीं एकदम। फिर आएंगे। खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे ना। खुश रहो। हाँ आप देखें ना, आप नहीं बोलाएंगे। अब देखेंगे ना कब आएंगे, अब चलो खुश रहो। तो चलिए दोस्तों अब दादी बनाया झाड़ू बोल रही है कि अभी ये कब जाके बनाएंगे पता नहीं। और ये वाला दे रहे हैं ताकि अभी ले जाएंगे ना और आधे जाके शुरू करेंगे मारने के लिए है ना। तो चलिए ये वाला बोरा में ये वाला भर देते हैं अभी। तो चलो पकड़ो थोड़ा, ये वाला खोलिए। तो चलिए अभी दोनों मिल के दोस्तों इसी में भर देते हैं। हाँ इसको भी खोलो, इसको भी। चलिए बोरा बड़ा है, यहाँ और भी 4-5 झाड़ू अटेगा। तो देखिए अपने से पूरा भी भरने लगी। और ये दादी का झाड़ू है दोस्तों, दादी दी है अपने भतीजी को। काम गैस काची क्या बोल रहा है पता नहीं, कौन सी बोलता है समझ में नहीं आता। मतलब अपना भाषा में बोलता है ना, तो हमारा अलग भाषा है। रुके रुके अच्छा से बांध देंगे आप लोग, नहीं सकिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मेल के अच्छा से बांध देते हैं अभी। तो बांध दिया दोस्तों। तो चलिए ये अभी काफ़ी वजन है, तो अभी सकेगा फूफा, सकेगा। देखिए ना फूफा तो सक जाएंगे, फूफा का ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो चलिए दोस्तों अभी इधर हम लोग का सोमवार बाज़ार लगता है, वहाँ सामने ऑटो मिलेगा, वहाँ तक अभी पहुँचाने जाते हैं। देखिए वो भी हम लोग उधर ऑटो स्पीड कर रहे हैं। हाँ तो अभी दोस्तों ऑटो बैठाने के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो चलो तो रोड तक निकालिए है ना। हाँ तो अभी रोड निकल रहे हैं दोस्तों। चलिए गाड़ी लेके निकलते हैं हम। दोस्तों अभी गाड़ी निकाल लिए, अब चलते हैं फुआ को टेम्पो बैठा देंगे। चलिए फुआ है ना। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों अभी आ गए और अभी यहाँ ऑटो फुल था दोस्तों। तो देखिए फुआ हम लोग बैठ भी गई। तो ठीक फुआ जाइए अब है ना। ठीक है ठीक है, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों अब ऑटो भी जाने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से हम भी अब चलते हैं। ठीक है जाइए अच्छा से। देखिए पूरा फुल हो गया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से घर। दोस्तों घर आ गए और गाड़ी अभी यहाँ खड़ा कर दिए दोस्तों। बाकी बकरी को देखिए दोस्तों, इधर है दोनों मेमना को लेके, और अभी एक बकरी उधर है, वो भी अपना मेमना लेके है दोस्तों। और बाकी बकरी सब खूटा हुआ है और गैया बछिया सब इस तरफ खड़ी है और सभी लोग इधर बाहर में ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जब से गए हैं तब से सभी को इधर ही हैं। देखिए सब कैसे बैठे हुए देखिए। तो चलिए अब इधर ही हम भी रहते हैं। और ये रास्ता है दोस्तों हम लोग का, और हम लोग का घर आंगन देखिए। और अभी ट्रैक्टर एक आ रहा है। दोस्तों मामू के साथ खेलते हैं। झारखंड के लोग काजी हुआ, झारखंड के लोग कहीं भी पढ़े लिखी के बहुत बड़ा काम करला है, कोई नहीं करला है। तो दोस्तों झारखंड के आदमी का दोष दे रहे हैं कि कोई पढ़ लिख के बड़ा काम नहीं करता है, बड़ा काम नहीं करता है, इतना बड़ा काम करता है। कौन सी कंपनी को हमको कौन खोला है, देख रहे थे सुबह कोदार लेके पूरा कोड़ रहा था मिट्टी में। तो बड़े काम, तो बड़ा काम, वही बहुत बड़ा काम। पढ़ लिख के माटी कोड़ना का गलत बात है, कैसे नहीं। वो बड़ा काम नहीं करना है, दिमाग से बड़ा काम करना है। तो पढ़ लिख लो और पूरा एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे तो एकदम ऐसा ऐसा नाम, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन बड़ा काम पढ़ के ठेपा छाप का काम करें। तो उसमें पढ़ने लिखने का कोई डिग्री लेने का मतलब नहीं है। खेती बाड़ी में ऐसे ही खाली जानकारी रहना चाहिए। हाँ बाबू का इस देखिए दोस्तों ये पता सब उठा रहा है। आरी देखे छीन रहा है बिना पता उसका, का दिखा आया है। चलो दिखाओ 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 दिखा दिखा देखा। तो अभी रोड तरफ से दोस्तों आ गए इधर हौदे की तरफ और अभी चले हम नहाने। तो चलिए अभी फटाफट हम नहा लेते हैं। पहले कपड़ा उपड़ा सब ले आए हैं, साबुन भी ले आए हैं दोस्तों। चलिए अभी फटाफट नहाते हैं। देखिए सब इधर ही है। तो दोस्तों अभी नहा के आ गए और अभी देखिए इन लोग इधर बैठे हैं और इस तरफ पापा बैठे हुए हैं दोस्तों। तो नहा धो के अभी आ गए हैं और मौसम एकदम तुरंत ख़राब हो गया, एकदम कैसे एकदम डूंटू टाइप के हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों नीचे की खेतों की तरफ, क्या कि पापा सुधाए हुए थे मोटर। तो अभी देख के आते हैं, नहीं तो मौसम ख़राब लग रहा है, अगर बारिश उरिश आएगा तो दिक्कत होगा। तो चलिए पहले हम देख के आते हैं पानी कितना सा हुआ है, अगर कमे होगा तो अभी छोड़ देंगे। तो देखिए अभी यहाँ लीकेज कर रहा है, कैसे पानी गिर रहा है। और यही वाला पानी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से चूहा का बिल से होते हुए इधर नीचे जाता है, लेकिन अभी तक तो इधर निकला नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा बिल है। और अभी देखिए ये वाला खेत में सजाए हुए थे दोस्तों, कहा कि इसमें देखिए यहाँ भी पानी गिर रहा है और फीता मेरा है वो फट के दोस्तों उधर भी गिर रहा है, देखिए वहाँ पे तो दो जगह गिर के अभी इसमें सिंचाई हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों और हम लोग का कुआं में देखिए कितना पानी है और यहाँ कैसे फट गया पता नहीं, देखिए यहाँ बेंड हो के फट गया और निकल रहा है पानी और इधर से वहाँ जाके गिरता था। तो चलिए अभी बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्या कि रात में बारिश वारिश होगा तो फिर दिक्कत होगा दोस्तों, मौसम ख़राब हो रहा है। तो आ गए इधर दोस्तों, अभी देखिए अभी और ज़्यादा लीक करने लगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा, और जो पानी आ रहा था वो तो यहाँ अंदर जा रहा है और पहले नहीं निकल रहा था, लेकिन अभी देखिए इस तरफ से पानी निकल के उधर जा रहा है। तो चलिए मोटर को बंद कर देते हैं दोस्तों, आके मोटर बंद कर दिए थे और अभी खाना वाना बना लिया है दोस्तों, तो चलते हैं अभी खाना खाने। तो चलिए बाकी है ना, हाँ खाना ना बन गया, हाँ तो चलिए अभी खाना खाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।